नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि तत्कालीन डीपीओ सहित 72 शिक्षकों पर केस दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद अपने पद पर रहकर दुरुपयोग तरीके से वेतन हासिल करने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से पैनी नजर बनी हुई है कि किसी भी तरह से कोई भी गलत काम ना हो, और यही वजह है कि लगातार इस तरह की खबरें जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में ये बड़ी जो जानकारी है वो इस वक्त सामने आई है, जहां पर 72 शिक्षकों पर केस दर्ज कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से, जहां पर तत्कालीन डीपीओ सहित शिक्षकों पर भी केस दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि सेवा अवधि पूर्ण होने के बावजूद शिक्षकों के पदस्थापन और अवैध वेतन भुगतान मामले में तत्कालीन डीपीओ सहित 72 शिक्षकों पर केस दर्ज किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के आदेश पर डीपीओ संस्थापक राहुल चंद्र चौधरी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन डीपीओ अमर भूषण और अवैध वेतन भुगतान लेने वाले 72 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिक्षा विभाग की माने तो सेवा शर्त के अनुसार 42 साल पूरा होने के बाद इन सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाना होता है, लेकिन तत्कालीन डीपीओ अमर भूषण द्वारा 72 शिक्षकों को सेवानिवृत्त होने के बावजूद पदस्थापन पर अवैध वेतन भुगतान कर दिया गया, जिसके बाद अवैध भुगतान की निगरानी में शिकायत किए जाने के बाद विभाग ने इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू की। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीओ को पत्र भेजकर केस दर्ज कराने का आदेश दिया। डीपीओ संस्थापक राहुल चंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन डीपीओ और 72 शिक्षकों के खिलाफ अवैध वेतन भुगतान की शिकायत की गई थी। राज्य से मिले आदेश पर डीपीओ सहित सभी 72 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विभाग को इसकी रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। तो ये बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, जहां पर तत्कालीन डीपीओ सहित 72 शिक्षकों पर केस दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि सेवा समाप्त होने के बावजूद ये सभी शिक्षकों को उनके पद पर रखा गया था और उन्हें वेतन भी दिया जा रहा था, और यही वजह है कि शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई और अवैध तरीके से वेतन हासिल करने के मामले में इन सभी पर केस दर्ज किया गया है। इसके साथ तत्कालीन डीपीओ जो इस पूरे मामले में शामिल थे, जिनके द्वारा ही ये पूरा खेल रचा गया, उन पर भी केस दर्ज किया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। तो लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही है, पैनी नजर जो है वो बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और इसी को देखते हुए ये बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई है, जिसके तहत तत्कालीन डीपीओ सहित 72 शिक्षकों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।